प्रयागराज करेली गौस नगर में रविवार की शाम 5 बजे राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो की तरफ से शानदार आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे, जिसमें मेजा तहसील अध्यक्ष पंडित शिवम तिवारी और डॉक्टर शमशाद को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के पांडे ने मानवाधिकार की उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया। में व्यक्तिगत या विभाग के द्वारा कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई कैसे करेंगे, हमें कैसे साक्ष्य सबूत इकट्ठा करना है, कैसे हमारे पास अथॉरिटी होगी, हम किस लेवल पे अधिकारियों से कैसे शिकायत कर सकते हैं या माननीय न्यायालय समझे जा सकते हैं या पैरवी करके कैसे हम उनको लाभ दिलाएँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अधिकतम निर्धन बेसहारा लोगों को, समाज के जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाना, सुरक्षा प्रदान कराना और भ्रष्टाचार से। आज ये राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण की जो मीटिंग रखी गई थी, ये मीटिंग किस विशेष चर्चाओं पे और क्या क्या कार्य करती है और इससे आम जनता या गरीब लोग परेशान पीड़ित लोगों से आप क्या निर्णय और क्या नियम उनको और क्या सुरक्षा मिलती है इसके बारे में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।